हरियाणा सरकार ने 22 आईटीआईज को मॉडल आईटीआई बनाने की जो घोषणा की है, जिसमें आईटीआई पलवल भी सम्मिलित की गई है, जिसके अनुसार इस आईटीआई को हाईटेक मशीनरी, हाईटेक वर्कशॉप और जो पुरानी बिल्डिंग है उनको मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए प्रावधान किया गया है। सर कितना क्या क्या चेंजेस किया जाएगा इसमें पूरे आईटीआई में? हम मॉडल आईटीआई बनाने के लिए जो विभाग से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार हम वर्कशॉप को एक हाईटेक कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मशीनें चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ सीएनसी मशीन भी है, तो उसके अनुसार उनको हम डिस्प्ले करेंगे, यानी कि वो जो मशीन चलती हुई वर्कशॉप के अंदर एक डिस्प्ले पर दिखेगी कि भाई ये मशीन, ये जॉब इस तरीके से कट रही है, जॉब इस तरीके से बन रही है, तो पूरी वर्कशॉप को हम डिस्प्ले पे लाएंगे। हम नोटिस बोर्ड जैसे हमारा होता है आईटीआई का, उसको भी हम डिस्प्ले पे जाएंगे कि बच्चे परेशान होते हैं, इधर से उधर पूछते हैं, हमारे एडमिशन होते हैं, हमारी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम उनको डिस्प्ले पे बीच बीच में उनको हम देते रहेंगे। इस तरीके का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। एक जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए हमने रिपेयर वाइट वॉश के लिए हमने 18 लाख का प्रावधान रखा है, जो हमने पीडब्ल्यूडी से उनका वो बना दिया है। और एक सबसे बड़ी बात है जो बिजली की हमारी समस्या है, हम एक प्रावधान है हमारा कि हम सब स्टेशन एक आईटीआई की जो हॉटलाइन के माध्यम से हम उसमें प्रावधान हम कर रहे हैं और हम विभाग से संपर्क में हैं। हमने इस मॉडल आईटीआई में उनसे ये अनुरोध करने जा रहे हैं कि भी इसमें एक स्पेशल जो है बिजली के लिए हॉटलाइन के माध्यम से एक सब स्टेशन बने। सर देखा जाता है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भीड़ लग जाती है एडमिशन को लेकर, तो ऐसे में उनके लिए सुविधाजनक क्या काम हो सकता है? एडमिशंस के लिए ये पहले हुआ करती थी, क्योंकि आजकल जो है सारा हमारा एडमिशन जो ऑनलाइन पे हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे अपनी ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भरते हैं और ऑनलाइन के बाद सीट अलाट होती है। तो अब जब से ऑनलाइन हुआ है ऐसी हमें डिफ़िकल्टी नहीं आई है कि कोई दिक्कत आए। फिर भी जिस तरीके से मॉडल आईटीआई की आप बात कर रहे हैं, तो हम मॉडल जो है ना क्लास, स्मार्ट क्लासरूम जो हम उनको बनाएंगे और उसके अनुसार किसी तरीके से भी जो बच्चों को ना एडमिशन में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सर किसी तरह की कोई नई मशीनरी की भी इसमें? हम मॉडल आईटीआई के माध्यम से हम हर इंस्ट्रक्टर को, अपने जो हर टीचर को हम एक कंप्यूटर सेट दे रहे हैं और एक पोडियम होती है जो एक स्टैंड होता है, जैसे लेक्चर स्टैंड होता है, वो हम लेटेस्ट हाईटेक एक हर क्लासरूम में वो प्रारब्ध करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। और अलग अलग सिस्टम से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे पास सीएनसी मशीनें भी अभी आई हैं और सीएनसी मशीनें का और भी प्रावधान है कि भाई ऑटोमेटिक मशीनें हमारे पास आई हैं। तो काफ़ी हद तक हम मॉडल आईटीआई को, पलवल आईटीआई को मॉडल आईटीआई में बदलने जा रहे हैं। किसी तरह की कोई पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, हम वो भी ऑनलाइन एक उसमें होगी, सीधी की सीधी वो भी हाईटेक होगी, ऑनलाइन होगी और बहुत बढ़िया तरह की हम एक पुस्तकालय का वो कर रहे हैं इसमें मॉडल आईटीआई। सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी जोन का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? हाँ, हमने सीसीटीवी जोन के लिए भी पहले जो हमारा संस्थान लगा था उसको भी काफ़ी ब्रॉड करके, उसको भी बढ़ा के, उनकी रेंजों को बढ़ा के वो भी प्रावधान हमने इस बजट में मांग किया। तो लगभग कितना टोटल बजट है और ये हमने कब जो तक? इस संस्था के माध्यम से 2,53,00,000 करीबन एस्टीमेट जो रिपेयरिंग का है, कुछ मशीन का है, पोडियम है और सीसीटीवी कैमरेज हैं, लोड बढ़वाना है उसमें और हम सब स्टेशन का एक अलग से प्रावधान उसमें दे रहे हैं जो इससे अलग है। तो ये कब तक सेंशन हो जाएगा और क्या लगता है कि कब तक पलवल आईटीआई को सौगात मिल पाएगी? मेरे ख्याल से अगले वीक हमारी मीटिंग होनी है, फाइनल राउंड में चल रही है। माननीय हमारे कमिश्नर हैं और टीसी गुप्ता जी, वो मीटिंग ले रहे हैं और काफ़ी वो प्रयासरत हैं इन मॉडल आईटीआई के लिए। माननीय हमारे मंत्री जी विपुल गोयल जी काफ़ी इसमें मॉडल आईटीआई को लिए काफ़ी बहुत जल्दी जल्दी हमारी मीटिंग लेके और लास्ट राउंड में ही हमारा ये फाइनल चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन से पहले ये वर्क पूरा शुरू हो जाएगा। परिणाम क्या देखने को मिलेंगे सर मॉडल आईटीआई बनने के बाद? मॉडल आईटीआई बनने के बाद सरकार का एक बहुत अच्छा कदम ये देखने को आया है, क्योंकि जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट जो आज पूरे देश के अंदर एक मुहिम चली हुई है, तो पहले जो हमारे पास मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट थे वो हाईटेक नहीं होने के कारण हम बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जो हमारे बच्चे जाते थे तो हम ओल्ड मशीनों पे काम कराते थे और वहाँ उनको काफ़ी रोजगार मिलने में या एक्सपीरियंस में उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी आती थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्किल को इतना बढ़ावा जो देश में दिया है उसके अनुसार पूरा देश एक स्किल की तरफ चल रहा है, तो उससे बच्चों में काफ़ी प्रभाव हुआ है।
जैसे सीएनसी मशीनें इस संस्था में भी आई हैं और हरियाणा के कई आईटीआई में आई हैं, उनसे बच्चे सीखकर अपने रोजगार को बहुत जल्दी ही पकड़ के वो प्राप्त